नंबर 29। प्रीवियस लेक्चर में हमने गोइंग कंसर्न का टॉपिक कंप्लीट किया था, आज के लेक्चर में हम की ऑडिट मैटर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, ये आज के लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका टेस्ट है, टेस्ट 3, इसकी रिपोर्ट मेरे सामने है। इनरोल्ड स्टूडेंट्स जो थे इसमें लिस्ट के मुताबिक वो है 120, और इसमें जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटैम्प्ट किया है वो है 53, यानी 44% स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटैम्प्ट किया है, 56% ने अटैम्प्ट ही नहीं किया, यानी ये 56% तो सीधे फारग है। होगा क्या? क्योंकि सर ऑडिट का रट्टा लगाया था, एक एक कंसेप्ट याद है, जहां से मर्जी पूछ ले, एक एक होता भी है जबानी है, लेकिन कभी लिख के प्रैक्टिस नहीं, पता नहीं क्यों पास नहीं हुआ। 36 मार्क्स आए हैं, 41 मार्क्स आए हैं, क्यों पास नहीं होता ऐसा स्टूडेंट जिसको सारा कुछ याद होता है? रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की होती। रिटर्न प्रैक्टिस कैसे करनी होती है? टेस्ट अटेम्प्ट करके और होम असाइनमेंट अटेम्प्ट करके। आप में से कई स्टूडेंट जबानी कलामी देख, अच्छा ये करना, ये इसका क्या करना था, ये अच्छा ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई, वह कर ली असाइनमेंट, या उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तकल्लुफ किया, उसी के ऊपर 2-3 लफ्ज लिख दिए, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती। आपका जो हाथ पूरे सेशन में नहीं चला, एग्जाम में भी पेपर में भी नहीं चलेगा। जो हाथ पूरे सेशन में नहीं चला वो पेपर में भी नहीं चलेगा। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है 53, इनमें से 14, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 39 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। इसका मतलब है टोटल 120 की क्लास में सिर्फ 14 स्टूडेंट्स, काफी नहीं है, इतना बुरा रिजल्ट नहीं आता हमारा ये तो। हाँ ये तकरीबन मेरा हाल है 12% के आसपास बात जा रही है, 12% स्टूडेंट्स। एप्रिसिएशन के लिए, सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए टॉपर्स के अनाउंस कर रहा हूँ, टॉपर्स के नाम अनाउंस कर रहा हूँ, 12139 फर्स्ट पोजीशन पे है मेरे भाई, कौन? अली अहमद भाई, जरा थोड़ी शक्ल दिखाइएगा ताकि मुझे, हाँ थोड़ा सा और नहीं चलो, हाँ बैठो। 14783 एम रमजान अली भट्ट, चले उनके जाके कंसेप्ट ठीक कीजिएगा फिर। 15146 शाबाश। और फोर्थ पोजीशन पे है 14771 फिफ्थ पोजीशन पे है 2022 यानी 20202 अब्दुल्ला मलिक। किधर अब्दुल्ला मलिक भाई? आज छुट्टी पे है, चले कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट है आपका असेसमेंट टेस्ट, आपको पता है ना सिलेबस बता दिया है, सिलेबस अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, हाँ सिलेबस अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपको। और असेसमेंट टेस्ट के ऊपर प्राइज है, हाँ नहीं ये नहीं बताना हमने, लेकिन हाँ ये नहीं बताना। तो असेसमेंट टेस्ट पे प्राइज तकरीबन मेरा 1.5 घंटा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे के दरमियान में ड्यूरेशन होगी, 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं और 1 घंटे से कम नहीं। उस दिन जुम्मा भी होता है, नहीं एक मिनट ठहरे, नहीं नहीं हफ्ते को नहीं, मैनेजमेंट ने टाइम दिया होता है, जुम्मे को क्या मसला है, 12 बजे क्लास खत्म हुई, 1:15 बजे तक टाइम है। दो बजे के बाद आ जाए, कब तक? तो 4 बजे आ जाए। नहीं नहीं अच्छा ये टाइम का अगर मसला, टाइम एक्सटेंड करवा देता हूँ क्या के, अगर उन्होंने बात मान ली मेरी, कंफर्म नहीं है लेकिन टाइम की मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ कितने बजे तक करवा दूँ? 6 बजे तक। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में टाइम एक्सटेंड हो जाना चाहिए 6 बजे तक? ये भाई अंदाजा लगा कितने स्टूडेंट है, अगर इतने स्टूडेंट्स ने टेस्ट ना दिया मैं सारी क्लास को नहीं छोड़ूंगा। अंदाजा हाँ बट ठीक है ठीक, चलिए ये था आपका। बाकी 6 बजे मगरिब हो जाएगी, 4 से 6 के तो भाई साथ ही उधर साथ ही वुजू है ना, वुजू करे साथ ही जमात में, 1.5 घंटा हो जाओ, 6:30 बजे तक मैं उसे कहूंगा बैठ जाएगा, हिम्मत तो करो टेस्ट देने की। 9 बजे तक आपके अपने लिए डेंजर है, 9 बजे चलिए अभी वापिस आ जाए। लाइब्रेरी का टाइम कैसे मैं राइज काबू है, मेरे कहने पे चलता है राइज, कैसे मैं पढ़ा? ओ, मेरे बस में नहीं, अल्लाह के बंदे नहीं है, सच में नहीं है, कसम उठवा ले मेरे से,
मेरे से सिफारिश पहले पता नहीं कितनी सिफारिश मैं कैंसिल करवा बैठा हूँ अपने बिल्कुल गलत चले बारह जी करें स्टार्ट मेहरबानी आप हमने चैप्टर फोर का लास्ट एलिमेंट जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली चैप्टर फोर में लास्ट एलिमेंट जो हमने डिस्कस करना है इसके बाद सिर्फ ड्राफ्टिंग रह जाएगी ड्राफ्टिंग की तरफ अभी मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा पहले आप ये डिसाइड करना सीख लें कि किस सिचुएशन में कौन सा एलिमेंट आएगा उसके बाद फिर हम ड्राफ्टिंग की तरफ चलेंगे तो ड्राफ्टिंग मैं कुछ चंद एक लेक्चर्स के बाद वापस आऊंगा चैप्टर फोर पे फिर आपको सिखाऊंगा अभी फिलहाल आपने एलिमेंट्स के ऊपर अपनी ग्रिप रखनी है हमने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो उसमें हमने स्टडी किया था कि ऑडिट रिपोर्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स तो हर रिपोर्ट में आते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी रिपोर्ट में आते हैं किसी रिपोर्ट में नहीं आते जैसे मॉडिफाइड ओपिनियन किसी रिपोर्ट में होगा किसी में नहीं किसी में अनमॉडिफाइड होगा किसी में मॉडिफाइड जैसे एम्फेसिस ऑफ मैटर जैसे अदर मैटर जैसे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न जैसे की ऑडिट मैटर ठीक है और नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब ये मैटर्स रिपोर्ट में आ जाएं जब इन एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट रिपोर्ट में आ जाए हम उसे कहते हैं रिपोर्ट मॉडिफाइड अच्छा इनमें से क्या हमने ये सीख लिया कि किस सिचुएशन में मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन के केस में मिसस्टेटमेंट की एग्जांपल और स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स क्लियर है कोई सिचुएशन आएगी पहचानने के या मिसस्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन फिर हमने स्टडी किया एमसीएस ऑफ मैटर क्या एमसीएस ऑफ मैटर की एग्जांपल्स क्लियर है उन एग्जांपल्स को सामने रख के कोई केस स्टडी अगर वो बनाता है पहचान लेंगे ये वाली एग्जांपल एमसीएस ऑफ मैटर में थी अदर मैटर की एग्जांपल्स क्लियर है क्या अगर अदर मैटर की एग्जांपल में से कोई एग्जांपल उठा के केस स्टडी बनाता है पहचान लेंगे सिचुएशन अदर मैटर में थी फिर उसके बाद गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी ये एलिमेंट क्लियर है गोइंग कंसर्न के जो इवेंट्स या कंडीशंस थे अगर उनमें से कोई इवेंट्स या कंडीशन खास तौर पे वो जिन पे टिक लगवाया था उनमें से कोई इवेंट या कंडीशन उठा के केस स्टडी में इंक्लूड करता है पहचान लेंगे ये गोइंग कंसर्न की लिस्ट में था जिसने लिस्ट याद कर ली ना इस चैप्टर फोर में 6-7 लिस्ट है जिसने लिस्ट याद कर ली है उसको ग्रिप होगी रिपोर्ट के ऊपर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपना लास्ट एलिमेंट वो है की ऑडिट मैटर की ऑडिट मैटर अच्छा पहले की ऑडिट मैटर की कहानी सुन लीजिए ये की ऑडिट मैटर आज से 4 साल पहले तक हमारी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होता था ऑडिटर जो रिपोर्ट शेयर होल्डर को दिया करता था ना वो रिपोर्ट होती थी एक्सेप्शन रिपोर्टिंग उसे कहते हैं उसकी बेस पे यानी अगर आप देखें तो जिस तरह आपको पहले एग्जांपल दी थी कि हमारे वालदैन उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं होती हमने तैयारी किस जगह पे की कैसे की कौन कौन से क्वेश्चंस किए किस बुक को कंसल्ट किया वगैरह वगैरह उन्हें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज होती है कि हमने हमारा रिजल्ट किया ठीक है उसी तरह शेयर होल्डर को इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि ऑडिटर ने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए उसे गर्ज होती है सिर्फ इस चीज़ से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ऑडिटर का ओपिनियन क्या है क्या ये ठीक है या इनमें कोई गड़बड़ है उन्हें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज होती है ऑडिटर के ओपिनियन से अनमॉडिफाइड है कि मॉडिफाइड वो उस ओपिनियन तक पहुंचने के लिए उसने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए शेयर होल्डर को इससे गर्ज नहीं होती और यही वजह है तकरीबन 150 साल तक कभी इस चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आई कि हम शेयर होल्डर्स को ये भी बताएं कि इस ओपिनियन तक ये ओपिनियन तो ये है इस ओपिनियन तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया नहीं लेकिन जब एक्सपेक्टेशन गैप थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ और शेयर होल्डर्स ये कहने लगे कि ऑडिटर करता क्या है सिर्फ साइन ही तो करता है सिर्फ साइन ही तो करता है और साइन करता है तो पैसे ले लेता है हमसे अच्छा मुझे एक बात याद है कि मजाक की बात है काफ़ी अर्सा 10 साल पहले पुरानी बात है मेरा एक दोस्त था तो था इस वाक्य के बाद नहीं रहा नहीं मजाक कह रहा हूँ तो एक दिन मेरे पास आया कहने लगा यार मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है मैंने कहा अच्छा ठीक है अच्छा चूंकि इकट्ठे घूमते थे तो कभी ऐसा होता था कि कभी मैं उसके साथ जाता था एटीएम में ट्रांजैक्शन वगैरह कर लिया करता था उसके साथ उसके वो भी साथ ही होता तो कहने लगा पैसों की ज़रूरत है मैंने कहा अच्छा कितने वो अमाउंट थोड़ी ज़्यादा थी मैंने कहा यार इतनी अमाउंट तो मेरे पास नहीं है कहता यार तुम दे दो तुमने क्या करना है तुमने बटन ही दबाने हैं पैसे निकल आएंगे ये है एक्सपेक्टेशन गैप कि लोग ये समझ रहे होते हैं बटन दबाना है पैसे निकल भाई वो पैसे डालने के लिए पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये उनको नजर नहीं आ रही होती वो समझ रहे हैं कि पता नहीं हमें मुफ्त में मिल जाते हैं पैसे उसी तरह शेयर होल्डर ये समझते थे कि ऑडिटर को जो हम पैसे देते हैं ना इतने इसने क्या करना होता है सिर्फ एक रिपोर्ट के ऊपर साइन करना होता है साइन करता है पैसे ले करता कराता कुछ नहीं है ये हालांकि उस साइन करने के लिए जो रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए जो एविडेंस चाहिए वो हासिल करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है ये तो हम ही जानते कितनी लेट सीडिंग करनी पड़ती है तो जब ये एक्सपेक्टेशन गैप थोड़ा ज्यादा होना शुरू हुआ
तो आईफेक ने सोचा कि ये तो हम ऑडिट प्रोफेशन की जो एफर्ट्स हैं, ऑडिटर की एफर्ट्स को अंडरमाइन किया जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि ऑडिटर कुछ करता ही नहीं है। तो उस वक्त फिर एक फैसला हुआ आज से 3-4 साल पहले कि हम जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे शेयर होल्डर्स को बताएंगे, हम अपनी रिपोर्ट में उसका जिक्र करेंगे। वरना इससे पहले ऑडिटर जो रिपोर्ट करता था वो सिर्फ अपना कंक्लूजन या ओपिनियन बताया करता था, उस ओपिनियन तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करते थे उनके बारे में ऑडिटर नहीं बताया करता था। लेकिन अब आईफैक ने डिसाइड किया कि हम प्रोसीजर भी शेयर, ताकि उन्हें पता चले कि हम सिर्फ साइन करके पैसे नहीं ले रहे थे, इस साइन पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें बैकएंड में कितने काम करने पड़ते हैं। अच्छा, जिस दिन ये डिसीजन हुआ ना कि प्रोसीजर हम शेयर होल्डर्स को बताएंगे, उसी दिन अगला क्वेश्चन अराइज हुआ कि कौन से प्रोसीजर, क्या सारे प्रोसीजर बताएंगे? अगर सारे प्रोसीजर बताएंगे वो तो ऑडिट रिपोर्ट हजारों सफों की हो जाएगी, ठीक है, क्या सारे? तो आईफैक ने कहा नहीं, ये तो फिर प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, इतनी लेंथी रिपोर्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो हम प्रोसीजर्स बताएंगे जरूर, लेकिन सारे नहीं, सिग्निफिकेंट भी नहीं, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज। कौन से? सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया या मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स में हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म किया वो बताएंगे। तो पहली चीज ये, क्या हम अब रिवाइज रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिवाइज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, क्या ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स का जिक्र ऑडिट रिपोर्ट में करता है? इसका जवाब यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या ऑडिटर सारे एरियाज को कवर करता है, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट? अच्छा, अब आगे सुने, इस मोस्ट सिग्निफिकेंट में भी, जैसे फर्ज कीजिए फिक्स एसेट्स को रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूड फिक्स एसेट्स है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया था, क्या इस एरिया के भी सारे प्रोसीजर्स को रिपोर्ट में बताया जाएगा? नहीं, सिर्फ की ऑडिट प्रोसीजर्स को, की ऑडिट प्रोसीजर, यानी हम ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उनका जिक्र तो करेंगे, लेकिन सारे एरियाज का नहीं, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट का, और उन एरियाज के भी सारे प्रोसीजर्स का नहीं, सिर्फ की ऑडिट प्रोसीजर का, जो ज्यादा अहम है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ताकि यूजर को पता चल जाए कि ऑडिट करना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, क्या आप एग्री करते हैं इस अप्रोच से कि ये सेक्शन जिसमें ऑडिटर अपने प्रोसीजर बताए शामिल होना चाहिए था? बिल्कुल, इस सेक्शन को नाम दिया गया की ऑडिट मैटर सेक्शन का। क्या नाम दिया गया? की ऑडिट मैटर सेक्शन का, ठीक है, की ऑडिट, ये एब्रीवेशन हमने टाइम बचाने के लिए यूज किया, आपने पूरा नाम लिखना है, की ऑडिट मैटर, ठीक है। समटाइम इसे कैम भी कहा जाता है, कुछ प्रैक्टिस में भी आप शायद सुनेंगे, लेकिन एब्रीवेशन को हत्तल इम्कान अवॉइड करें यूज करने से। की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट, ये की ऑडिट मैटर सेक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको नहीं बताया, मुझे बताइए, एश्योरेंस एंगेजमेंट दो तरह की होती है, एक ऑडिट और रिव्यू। ये ऑडिट रिपोर्ट में आएगा की ऑडिट मैटर सेक्शन, रिव्यू रिपोर्ट में, के दोनों में? गलत, आपने इसके नाम पे ही गौर नहीं किया। की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर का मतलब है ये सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, रिव्यू रिपोर्ट में नहीं आएगा। की ऑडिट मैटर सेक्शन इन रिपोर्ट। अच्छा, पहले बेसिक रिक्वायरमेंट सुने, ये किस तरह की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है। कुछ कंपनीज की ऑडिट में रिक्वायर्ड है, कुछ में रिक्वायर्ड नहीं है। लिस्टेड कंपनीज के केस में की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड कंपनीज के केस में की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिक कंसेप्ट क्या बताया? लिस्टेड कंपनीज के केस में रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड के केस में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन दोनों की एक्सेप्शन है। लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस सूरत में की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड नहीं है। रिपोर्ट में ये सेक्शन इंक्लूड नहीं करना, रिपोर्ट में ये सेक्शन इंक्लूड नहीं करना। लिस्टेड के केस में भी बिल्कुल, अनलिस्टेड में तो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। लिस्टेड के केस में भी अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड नहीं करना। कोई स्टूडेंट उसकी रीजन बता सकता है? हाँ, शाबाश, स्टैंडर्ड ये कहता है, एक तरफ आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में कह रहे हैं आपने कोई एविडेंस ही नहीं लिया, और दूसरी तरफ की ऑडिट मैटर में क्या कि मैंने ये काम भी किया, ये भी किया, ये भी किया, कहता है ये एक ही रिपोर्ट के अंदर इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। एक जगह पे कह रहे हैं नो एविडेंस, दूसरी जगह पे धड़ाधड़ प्रोसीजर भी बता रहे हैं। इसीलिए अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा। अच्छा, और अनलिस्टेड कंपनी का केस है, की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ने ऑडिटर को डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हैं, अगर ऑडिटर मुनासिब समझे तो अनलिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में भी की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर सकता है। जैसे नॉर्मली जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट, उनमें ऑडिटर की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट जिसमें पब्लिक का पैसा है, जैसे बैंक्स है, जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें अगर की ऑडिट मैटर इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते। ये PII, ये टर्म नोट कर ले, ये कैफ लेवल पे इस्तेमाल नहीं हो गया, आगे शायद ही किसी जगह इस्तेमाल हो,
C5 लेवल पे इस्तेमाल, इसका मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, ऐसी एंटिटी या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जैसे बैंक्स, यानी एज शेयर होल्डर नहीं, एज शेयर होल्डर नहीं, वैसे बैंक्स पैसे रखवाते हैं, इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चंदा देते हैं, जनरल पब्लिक की चंदा देती है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि किन केसेस में की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में इंक्लूड होगा। हमने पढ़ा लिस्टेड कंपनी के केस में ये सेक्शन इंक्लूड करना रिक्वायर्ड है, और अनलिस्टेड के केस में ये रिक्वायर्ड नहीं है। भाई टीए से कहिएगा कैश अनलिस्टेड, लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में भी हो सकता है कि की ऑडिट मैटर सेक्शन ना आए। कब? जब डिस्क्लेमर हो बिना दिया। और अनलिस्टेड के केस में भी हो सकता है कि की ऑडिट मैटर दे दिया जाए, अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का केस। बताइए ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? पहले हमने सीखा की ऑडिट मैटर बेसिकली है क्या, इसका थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड सीखी, फिर की ऑडिट मैटर सेक्शन किन केसेस में आएगा और किन केसेस में नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। इसके बाद अब हमने क्या सीखना है? की ऑडिट मैटर होता क्या है, किसको कहते हैं की ऑडिट मैटर? देखिए हमारे सामने तो हजारों मैटर्स आते हैं, इन्वेंटरी का मैटर भी आता है, डेटर्स क्रेडिटर्स का, सेल्स का, परचेज, और भी बहुत से मैटर्स आते हैं। और अगर हम ऑडिट कर रहे होंगे तो वो ऑडिट मैटर ही होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे तो रिव्यू मैटर। कौन से मैटर्स हैं जिनको हम कहेंगे की ऑडिट, यानी हर मैटर ऑडिट मैटर तो है, ऑडिट करते हुए हर मैटर ऑडिट मैटर, तो कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर? स्टैंडर्ड इसको बताता है, कहता है दो निशानियां याद रख लें, वैसे किताब में शायद तीन लिखी होंगी लेकिन मेन दो है, सिंप्लीफाई करके दो निकलते हैं। पहला वो मैटर्स जो आपने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया, हमें कैसे, भाई हमारे सामने बहुत से मैटर्स हैं, फर्ज कीजिए 50 एरियाज है तो 50 मैटर है, इनमें से कौन से वाले की ऑर्डर मैटर है ये पहचानना है। कहते हैं पहली निशानी ये वो मैटर्स होंगे, उन मैटर्स में से निकलेंगे जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए हुए हैं। आपको बताया था ना, आपको बताया था, मैं भी यही सोच रहा था भाई 100 वाले क्यों ले आए। अच्छा बताया था कि की ऑडिट मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट, और हर सिग्निफिकेंट मैटर हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना होता है, ये तो हमें कंसर्ट पक्का है ना। तो जाहिर है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे वो सिग्निफिकेंट में से निकलेंगे। तो पहली निशानी उसने क्या बताई, वो मैटर्स पकड़ो जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए हैं। हमने कहा अच्छा हमारे 50 टोटल मैटर्स थे, उनमें से डायरेक्टर्स को हमने 8 मैटर कम्युनिकेट किया, तो क्या ये सारे की ऑडिट मैटर है? इनमें से भी देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले की ऑडिट मैटर जो करंट पीरियड के हैं, पिछले साल के नहीं, करंट पीरियड के। आपके सिलेबस की हद तक हम सिर्फ एक साल का ऑडिट कर रहे होते हैं, किस ऑडिट का? इस साल का। सीफेब लेवल पे जाके कंसेप्ट आता, कहता है इस साल का भी कर रहे हैं, पिछले साल का भी कर रहे हैं, तो करंट और प्रायर दोनों आते हैं, आपके सिलेबस में नहीं आएगा। अगर करंट और प्रायर दोनों भी कर रहे हैं ना, फिर भी की ऑडिट मैटर कौन से आएंगे? करंट के। प्रायर ईयर से की ऑडिट मैटर नहीं आता, करंट ईयर का ऑडिट कर रहे हैं, करंट से आएगा। हमने कहा भाई ये तुमने डेफिनेशन बताई भी और नहीं भी बताई, डेफिनेशन बता दी ना, जो मैटर दो चाबी गवर्नर्स को कम्युनिकेट किए हैं उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट जो करंट ईयर के हैं वो की ऑडिट मैटर हैं। हमने कहा तुमने डेफिनेशन बता भी दी, बता कैसे दी, ये दो पॉइंट है डेफिनेशन है, कैसे नहीं बताई? भाई मोस्ट सिग्निफिकेंट तुमने क्या उठा ले, हमें कैसे पता चलेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट? ये तो पता चल गया 50 टोटल मैटर्स थे, इनमें से 8 डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए, इनमें से की ऑडिट मैटर उठाना है, ये पता चल गया। इन 8 में से कौन से 3 की ऑडिट मैटर है ये कैसे पता चलेगा? जजमेंट। लेकिन याद रखें हर जजमेंट, हर प्रोफेशनल जजमेंट कुछ फैक्टर्स की बेस पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे अब उसने कहा नो प्रॉब्लम, अभी बता देते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो 8 मैटर्स हैं उनमें से कौन से 3 की ऑर्डर मैटर, आपको कैसे पता चलेगा अभी बताते हैं। आप देखें कुछ फैक्टर्स को सामने रखेंगे जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है वो की ऑर्डर मैटर है, जिसमें ज्यादा जजमेंट्स और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होते हैं वो की ऑर्डर मैटर है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड अगर हुए की ऑर्डर मैटर है, जिनमें कंप्लेक्सिटी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो ज्यादा की ऑर्डर मैटर, निशानियां बता रहा है, जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल यूज हुई हो जिस एरिया में की ऑडिट मैटर है। अब ये निशानी 8 मैटर्स है ना, उनमें से जब हमने पहचानना है कि इन 8 में से कौन से की ऑडिट मैटर है, तो जजमेंट किस फैक्टर्स पे, जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा है,
जिनमें जजमेंट अनसर्टेनिटी ज्यादा है, जिनमें सिग्निफिकेंट जो सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं, जिनमें ज्यादा कम्प्लेक्सिटी सब्जेक्टिविटी है, जिन एरियाज में स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल को यूज किया, वो है की ऑर्डर मैटर। फिर हमने अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। उसने कहा एग्जाम्पल्स मैं नहीं, आप बताएंगे। सिग्निफिकेंट बताइए अपनी जजमेंट के बेस पे, बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा एरिया होता है जिसमें ज्यादा सी रिस्क होता है? सेल्स, अगर वो हाई अमाउंट की हो, बिल्कुल ठीक है। जिसमें जजमेंट अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होते, अच्छा प्रोविजन, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट है छोटी सी, एक है प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, या इससे भी बड़ी एक है पेंशन लाइबिलिटीज की एस्टिमेशन, पेंशन लाइबिलिटी की एप्लीकेशन। अब मुझे बताइए कौन सा क्या भाई, जजमेंट अनसर्टेनिटी बहुत सी एरियाज में हो सकती है, हमने हाईएस्ट वाले सेलेक्ट करने हैं। ये इस बात के ऊपर भी डिस्कशन हुई कि ऑर्डर मैटर कितने होने चाहिए। उन्होंने कहा ये डिपेंड करता है, हो सकता है किसी क्लाइंट पे जीरो हो, किसी पे एक हो, किसी पे दो हो, किसी पे तीन, किसी पे चार, किसी पे पांच, किसी पे छह, किसी पे जजमेंट डिपेंड, लेकिन नॉर्मली तीन की ऑर्डर मैटर होते हैं। मैंने कहा बताया था लिस्टेड कंपनी की, एक दफा उन्होंने रिसर्च की तो 2.7 समथिंग के करीब फिगर आई थी ऑन एवरेज, कि इतने की ऑर्डर मैटर, इसका मतलब नॉर्मली तीन की ऑर्डर मैटर की एवरेज चलती है। लेकिन याद रखे ये कोई रूल नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके सामने पांच एरियाज ऐसे आ गए हैं जिनमें एस्टिमेट जजमेंट अनसर्टेनिटीज है, अब पांचों को की ऑर्डर मैटर नहीं डाल देना, मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स ड्यूरिंग फायर वगैरह अगर लग गई, आग लग गई जिससे असर चल गया ड्यूरिंग द ईयर, कम्प्लेक्सिटी या सब्जेक्टिविटी, कौन से एरिया जो ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, डेफर्ड टैक्स, शाबाश, लीज, शाबाश, ये यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल, रीवैल्यूएशन में पेंशन लाइबिलिटीज को एस्टिमेट करते हुए भी हम बाज़ूकात एक्सपर्ट को इंगेज करते हैं, लीगल केसेस उसमें भी तो लॉयर एक तरह से एक्सपर्ट ही है ना हमारे पॉइंट, क्योंकि अकाउंटिंग ऑडिट का नॉलेज थोड़ी है उसमें तो बस फील्ड का नॉलेज है। फैक्टर्स समझ आ गए, अब इन फैक्टर्स की रोशनी में हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे दी गई कि नॉर्मली ये, अभी तो कुछ एग्जाम्पल मुझे आपने दिए ना, कुछ हमने केस स्टडी से उठाई, कुछ स्टैंडर्ड ने खुद से एग्जाम्पल्स दी हुई थी, कुछ इन फैक्टर्स की रोशनी में हमने डिसाइड की कि ये एग्जाम्पल्स होंगे। कंसेप्ट यहां स्टैंडर्ड की डिस्कशन यहां पे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर यहां तक हम अपनी डिस्कशन रखें ना, कंसेप्ट तो समझ आ जाएगा, एग्जाम की केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठ के जजमेंट लगाना मुश्किल है। आपको तो ये चाहिए सर लिस्ट दीजिए, एग्जाम में आए फौरन पिक कर लें, ये उस लिस्ट में था और की ऑर्डर मैटर छापा है। एग्जाम में जाके थोड़ी सोचेंगे इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं, हो सकता है जजमेंट अप्लाई करते उधर गलती हो जाए। इसीलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ, आपने ये कन्विंस होना है इस चीज के ऊपर एग्जाम्पल इस क्राइटेरिया को पूरा कर रही है, ये कन्विंस होना है आपने। अगर बाकी आपके ख्याल में इन इसमें से हर एग्जाम्पल में आपने देखना इसमें कोई ना कोई पॉइंट क्लिक होना चाहिए, अगर एक पॉइंट पे क्लिक हो जाता किसी में शायद दो हो रहे हो, वो तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर एक पॉइंट पे क्लिक हो जाता इसका मतलब एग्जाम्पल हमारी ठीक है। क्लियर? अब एग्जाम्पल सुनिए और ये जेहन में रखिएगा, जिस तरह मिस स्टेटमेंट की हमने लिस्ट याद की, जिस तरह स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट याद की, जिस तरह एमसीएस ऑफ मैटर की, अदर मैटर की, गोइंग कंसर्न की लिस्ट याद की, ये लिस्ट भी याद करनी है, वरना केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी। याद करने से मुराद है चाहे जबानी याद ना कर, लेकिन इतनी को दफा पढ़ लें कि आपको ये फैक्टर कोई भी बताया जाए ना आप बता दें यार ये तो इस लिस्ट में था, ये इस लिस्ट में था। अच्छा पहला रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एग्री करते हैं? किस क्राइटेरिया में आपके हर स्पेशलाइज्ड नॉलेज में? वैसे तो ये जजमेंट अनसर्टेनिटी भी है, क्योंकि इसमें कुछ हमने अजम्पशंस भी अप्लाई करनी होती हैं रिवैल्यूएशन में, लेकिन वो चूंकि अभी टॉपिक हमने नहीं सीखा इसलिए हम उस तरफ नहीं जाते, हमें एक पॉइंट मिल गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। इंपेयरमेंट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, इंपेयरमेंट कंप्लेक्सिटी, शाबाश, आसान थोड़ी है, तो मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल। अच्छा ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों के लिए है, रिवैल्यूएशन टेंजिबल की हो या इनटेंजिबल की हो, इंपेयरमेंट टेंजिबल की हो इनटेंजिबल की हो, दोनों में की ऑर्डर मैटर आ जाएगा। क्लियर? चेंज इन फ्रेमवर्क और पॉलिसीज, आप याद है कंसर्ट बताया था, चेंज है काउंटिंग पॉलिसी, इसमें से बताइए आपको रिस्क, हाँ रिस्क ठीक है, रिस्क भी ठीक है, काउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हुए हो सकता है अब, लेकिन मुझे जो लग रहा है वैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव, हाँ वो बड़ा होता था, मसला होता था
शुरू से जाके उसको करेक्ट करके प्रेजेंट करना होता था। जजमेंट अनसर्टेनिटी भी हो सकता है, जजमेंट अनसर्टेनिटी भी हो सकता है कि अगर पॉलिसी की नेचर ऐसी है वो ऐसे एरिया से रिलेट कर रही है जिसमें जजमेंट नहीं मार, वो भी हो सकता है। पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 कब आया? 2017, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त जवाब है। उससे पहले कौन सा था? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। क्या कंपनीज एक्ट या कंपनीज ऑर्डिनेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में यूज होते हैं? इन फ्रेमवर्क की कोई रिक्वायरमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर दिया? तो जब कंपनीज एक्ट 2017 आया ना, उस साल की पाकिस्तान की जितनी भी कंपनीज थी उन सब में, जितनी भी कंपनीज थे उन सब लिस्टेड, उनकी ऑडिट रिपोर्ट में एक की ऑडिट मैटर कॉमन था। वो की ऑडिट मैटर कौन सा था? जी हाँ, चेंजेस इन कंपनीज एक्ट 2017। शाबाश, ठीक है, ये कॉमन था। तो इसका मतलब है फ्रेमवर्क में चेंज है, पॉलिसीज में चेंज, उस पर क्यों की ऑडिट मैटर। अब फर्ज कीजिए कोई, अगर फर्ज कीजिए कोई नया स्टैंडर्ड आया, कोई नया स्टैंडर्ड आया, तो बताइए उसको कौन स्टूडेंट बताएगा? कोई नया स्टैंडर्ड अगर आया उसके ऊपर एम्फसिस ऑफ मैटर देंगे कि की ऑडिट मैटर? रीजन के साथ बताना है, रीजन के साथ। नया स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है ये मैंने एम्फसिस ऑफ मैटर में भी पढ़ा था, और ये चेंजेस इन फ्रेमवर्क में चेंज है। नहीं, हाथ उठा के, पहले हाथ उठा के, हाथ उठा के जी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कर दी हुई है, डिस्क्लोज कर दी हुई है उसने, हाँ, तो फिर की ऑडिट मैटर है एमसी। अगर डिस्क्लोज, अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो की ऑडिट मैटर, तो मॉडिफाइड ओपिनियन कब आएगा? और डिस्क्लोज नहीं किया, वो मिसस्टेटमेंट नहीं है? निकालो उसकी जेब से पैसे, गलत कंसर्ट बताता है ये। एंड पे भाई थे कोई, एंड पे भाई थे जी। और जी अगर अर्ली एप्लीकेशन है तो एमसी ऑफ मैटर, और अगर ड्यू डेट के ऊपर एप्लीकेशन है तो की ऑडिट मैटर। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड आया और उन्होंने कहा 2025 से एप्लीकेबल होगा, अगर मैंने 2022 में ही अप्लाई कर दिया एमसीज ऑफ मैटर, और अगर 2025 में जाके चेंज किया की ऑर्डर मैटर। फर्क समझ आ रहा है? तो अगर कंपनीज एक्ट 2017 इसको अप्लाई कर दिया जाता 2015 में, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, वो एमसीज ऑफ मैटर। लेकिन 2017 में, और 2017 में अप्लाई किया क्योंकि वो फाइनेंशियल उधर ऑडिटर को बड़ी सहायता हुई थी उस साल में, क्योंकि बहुत सी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। और फिर पूरा कंपनीज एक्ट, हर स्टैंडर्ड ने, हर ऑडिटर ने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ा उसको, कि पता नहीं किस जगह पे कोई नई रिक्वायरमेंट हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। सबसे पहला उस साल की ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहला जो उन्होंने की ऑडिट मैटर देते थे वो चेंजेस इन फ्रेमवर्क वाला देते थे, क्योंकि आपको पता है कंपनीज एक्ट फ्रेमवर्क का हिस्सा है पाकिस्तान में, IFRS और कंपनीज एक्ट दोनों मिलकर फ्रेमवर्क बनाते हैं, इसीलिए वो चेंज इन फ्रेमवर्क में आया था। आगे चलते, एक्विजिशन डिस्पोजल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस बिजनेस या बिजनेस यूनिट का ले। यहां पे देखें, नोट कीजिए, एक्विजिशन और डिस्पोजल के ऊपर पहले आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। उसने ये नहीं कहा एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये नहीं कहा। क्या कहा? बिजनेस यूनिट, क्योंकि सेल और परचेज तो रूटीन का काम है, रूटीन का काम वो सिग्निफिकेंट थोड़ी होगा, पूरा बिजनेस यूनिट, पूरे का पूरा एक सेटअप, ठीक है, वो क्या मैटर, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल पेप्सी वाले ये डिसाइड करे कि आज के बाद हमने एक्वाफीना को डिस्पोज कर देना सारा कुछ, उस यूनिट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी फिक्स सारे के सारे, ये आएगा की ऑडिट मैटर में। अगर वो कहते हैं सिर्फ एक मशीनरी को डिस्पोज करके उसके जगह नई मशीनरी लानी है, ये रूटीन का काम है। इसी तरह रीस्ट्रक्चरिंग, आपको पता है रीस्ट्रक्चरिंग, ये रीस्ट्रक्चरिंग आपको चैप्टर 3 में समझाया हुआ है, रिस्क असेसमेंट ऐसे ना करें। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है सारे बिजनेस को उलट पुलट कर देना, उलट पुलट कर, ऐसे नहीं कर देते, देखते हैं कौन सा यूनिट प्रॉफिटेबल है, कौन सा लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग को बंद, प्रॉफिट मेकिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा, यह है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग एज ऑडिटर हमारे लिए अहम क्यों होती है भला? जो यूनिट बंद किया जा रहा होता है उसका इफेक्ट देखना है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है कि नहीं। जब भी कोई यूनिट, कोई फैक्ट्री बंद होती है ना, उसकी वजह से हमारे दो बड़े एरियाज इफेक्ट होते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, क्या रीस्ट्रक्चरिंग हर साल होती है? अहम इवेंट है ना, दो इफेक्ट क्या? पहला, अच्छा उस फैक्ट्री में ना एक तो एसेट चल रहे होते हैं मशीनरी, और दूसरा वो कुछ लोग होते हैं जो उन एसेट्स को चला रहे होते हैं लेबर। हमने दोनों को ही फारग करना है फैक्ट्री। भाई तीन फैक्ट्री थी, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान। मुल्तान वाली सही नहीं चल रही, मुल्तान वाली फैक्ट्री बंद कर दी। स्टूडेंट ने, उसने कहा इंपैक्ट बताओ क्या, स्टूडेंट ने कहा गोइंग कंसर्न,
उसने एग्जामिनर कमेंट्स में कहा भाईजान तीन यूनिट दूसरे भी तो चल रहे हैं और ये लॉस मेकिंग यूनिट बंद किया है और खुद किया है, इससे तो हमारा अगले साल का प्रॉफिट बढ़ेगा। आप कह रहे हैं गोइंग कंसर्न का इशू, फारिग गोइंग कंसर्न का इशू, फिर क्या इशू आएगा? पहला क्वेश्चन क्या जो फिक्स एसेट अब नहीं चलाने उन्हें करंट में क्लासिफाई किया है कि नहीं किया, क्योंकि अब उनको बेचना, हाँ, और रिवैल्यूएशन की जाएगी। रिवैल्यूएशन हो गई तो वैसे ही हमारा इसमें कवर हो गया कि किया एडमिट। लेकिन दूसरा काम, जिन एम्प्लॉइज को फायर, पाकिस्तान में तो कोई मसला नहीं होता ना खड़े खड़े होने के भाई कल से ना आना, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में एग्रीमेंट में लिखा होता है, कुछ कुछ अच्छी कंपनी पाकिस्तान में भी ये प्रैक्टिस करती है, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर हमने आपको बगैर नोटिस के टर्मिनेट किया तो आपको 3 महीने या 6 महीने की सैलरी आपको पे की जाएगी, ताकि आप अगले 3-6 महीने घर बैठ के स्कूल से नौकरी ढूंढ सके। तो हमने पहली चीज ये देखनी है क्या फिक्स एसेट्स को करंट एसेट में क्लासिफाई करके रिवैल्यूएट में लिखा। दूसरी चीज ये देखनी है लेबर को टर्मिनेट करने जिनको पैसे देने हैं उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड हो गई, प्रोविजन रिकॉर्ड हो गई। अब देखिए ये प्रोविजन रिकॉर्ड करने में भी जजमेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज हैं, तो बताइए की एडमिटर बनता है कि नहीं रिस्ट्रक्चरिंग बनता है। ये समझा, ये रिस्क, ये ऐसे ही नहीं मैंने इसके ऊपर 5 मिनट लगा दिए, रिस्क असेसमेंट में ये बार बार आएगा रिस्ट्रक्चरिंग, और उस वक्त आप फिर कहेंगे सर ये तो समझा ही नहीं आपने, फिर और मुझे फिर समझाना पड़ेगा। रिस्ट्रक्चरिंग से दो एरो निकाल लें, दो एरो, एक लगा लें फिक्स एसेट का, एक लगा लें लेबर का, आपको पता चल जाएगा जब कभी रिस्ट्रक्चरिंग होगी हमने इन दो चीजों को एड्रेस करना। आगे चले, डेफर्ड टैक्स आपने कहा मुश्किल है, पेंशन लाइबिलिटी एस्टिमेट करना मुश्किल है, मुश्किल है पेंशन लाइबिलिटी, पेंशन तो पता है ना क्या होती है, एम्प्लॉई काम आज कर रहा है पैसे उसे 20 साल बाद जब रिटायर होगा तब मिलने हैं, लेकिन मैचिंग कंसेप्ट कहता है साथ साथ, ये इसके ऊपर स्टैंडर्ड है शायद IAS 90 है मेरा ख्याल है, बल जो भी है वो भी नहीं, हाँ इनकम पेंशन ग्रेचुअली और पेंशन मिलती जुलती है। तो बताइए ये किस क्राइटेरिया के मुताबिक बन रही है, कम्प्लेक्सिटी, ठीक है जी, रिस्क भी है, रिस्क भी डाल दे, दो डाल दे, लेकिन जबरदस्ती नहीं, जब रिलेट कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करना। अच्छा इसको किया डेट बनाना है, ये 80-90 पूरा सौ, ये दो डाल दिए, ये रीजन है, ये नहीं, रीजन का लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। एक एक कन्विंस्ड है एक के ऊपर तो एक ही फैक्टर डाल दे, दो के ऊपर कन्विंस्ड है तो जस्टिफाई करते हुए दो फैक्टर्स डाल दे, सिग्निफिकेंट, ठीक है। यूज ऑफ एक्सपर्ट या कंपोनेंट ऑडिटर, एक्सपर्ट एंड कंपोनेंट, 5 फरिश्ते याद है, कैफ में 5 है, सीफे पे 7 हो जाते हैं, 5 फरिश्ते नहीं बताए आप, वो तो ये हमारे ऑडिट वाले हैं, ये हमारे फरिश्ता हम उनको कहते हैं जो जिसकी जिनकी जिम्मेदारी जो हमें ऑडिट करने में हेल्प करते हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, ऑडिट करने में हेल्प करते हैं, इंटरनल ऑडिटर, एक्सपर्ट, मैनेजमेंट भी हेल्प नहीं करती है, लॉयर एक्सपर्ट में आ गया। अब मैं तरतीब से बताता हूँ, याद आ जाए सही मुझे, प्रीडिसेसर ऑडिटर, उससे क्लाइंट के बारे में पूछते नहीं है, एक्सपर्ट, इंटरनल ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर भाई हम कर रहे हैं ऑडिट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, इसकी एक ब्रांच है बांग्लादेश में, उसका ऑडिट करना है हमने, उसको भी तो वेरीफाई करना है, खुद बांग्लादेश जाएं और प्रोसीजर परफॉर्म करके वापस आए कि बांग्लादेश के लोकल ऑडिटर से कहें भाई ये प्रोसीजर परफॉर्म करके सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दो, खुद जाएं, हाँ खुद नहीं जाएंगे, ये पार्टनर का फैसला होता है। अच्छा ये फैसला पार्टनर का होता है जो बेसिकली देखता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके, अगर हम खुद जाएं तो ठीक है कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी लोकल ऑडिटर को इंगेज किया उसे क्या कहते हैं, कंपोनेंट। ये 4 हो गए, 5वां क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, और हमारे सिलेबस में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का टॉपिक भी नया ऐड हुआ है इस दफा, पूरा चैप्टर क्वालिटी, ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या होता है ये अभी नहीं बता रहा मैं, ये यूं समझ ले ये चेक करता है कि हमने काम ठीक किया कि नहीं किया, हाँ ये तो आईकैप है, एक्सटर्नल क्वालिटी, अगर आईकैप करे तो वो है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, और अगर हमारी ही फर्म का कोई दूसरा पार्टनर कहे करे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जी, नहीं ऑडिटर हो गए लेकिन ये हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, ये मैंने कहा फरिश्ते इनको क्यों कहा, क्योंकि हमारी टीम का तो काम ही है काम करना, फरिश्ते तो वो है जिनका काम नहीं है फिर भी वो काम करते हैं, ठीक है। प्रीडिसेसर ऑडिटर ये भी आएंगे डिटेल में, इंटरनल ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर,
एक्सपर्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, आगे चल के एक और सर्विस ऑडिटर भी है, उनको छोड़े। अच्छा इसके बाद टैक्स कंटिजेंसी, अच्छा ये यूज ऑफ एक्सपर्ट कंपोनेंट, ये तो समझ आ गया ना आपको, ये तो सीधा सीधा ये है यूज एक्सपर्ट वाइज आ जाता है। टैक्स कंटिजेंसी बताया था, टैक्स कंटिजेंसी कभी की ऑडिट मैटर में आती हैं, कभी एमसीएस ऑफ मैटर में आती हैं, कभी की ऑडिट मैटर में आती हैं, कभी कब टैक्स कंटिजेंसी की ऑडिट मैटर में आएगी, कब एमसीएस ऑफ मैटर में आएगी, अगर वो क्लियरली बता देगा टैक्स का जो इशू है ये किस वजह से है, मेजर है, वो बता दे उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देगा तो एमसीएस ऑफ मैटर में आ जाएगा, और अगर वो रूटीन नेचर का है तो की ऑर्डर मैटर में। शाबाश शाबाश, ये नोट करने जाना कितने 100 के नोट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस, हाँ ये इनसे रिकवरी करवानी है मैंने। बैड एट टैक्स सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अब कहें रिलेटेड पार्टी भी सर नहीं बताया हुआ क्या होती है, है? तो रिलेटेड पार्टी की एग्जांपल्स क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनी डायरेक्टर्स। अच्छा एक क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट, हाँ रिश्तेदार ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, यही पूछने लगा था, केस स्टडी में वो रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करके रिलेटेड पार्टी बनाता है, तो रिश्तेदार ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर, यहां तक क्लियर। अच्छा अब सुन लीजिए, ये है एग्जाम्पल्स, स्टैंडर्ड ने जहां कहीं एग्जाम्पल्स दिया ना नीचे दो बातें लिखता है, पूरे स्टैंडर्ड क्या होता है, पहली चीज ये लिखता है कि ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी पॉसिबल है, और दूसरी चीज कहता है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दिया कि ज्यादातर ऐसा होता है, हो सकता है कभी कभार इनमें से कोई की ऑडिट मैटर ना भी हो, जैसे एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट मैंने देखी, उसमें उसने एडिशन टू फिक्स एसेट को की ऑडिट मैटर में डाला हुआ था, एडिशन मैंने कहा वो तो बिजनेस यूनिट अगर बाय करें वो की ऑडिट मैटर, ये फिक्स एसेट परचेज ऑफ फिक्स एसेट ये तो रूटीन का काम है, ये कहां से की ऑडिट मैटर आ गया, उसने फिर समझाया हुआ। हाँ अच्छा अमाउंट ज्यादा हो ना ये भी एक वैलिड जस्टिफिकेशन समझी जाती है की एडमिटर की, उसने कहा मुझे भी पता है नॉर्मली परचेजेस टू फिक्स एसेट्स की ऑडिट मैटर में, लेकिन इस ऑडिट में और कोई मसला ही नहीं था, और कोई मसला नहीं, इस ऑडिट में सबसे बड़ा मसला यही था, तो भाई वही की ऑडिट मैटर होगा ना भाई, ऐसा ही है ना, ये की ऑडिट मैटर असल में रिलेटिव कंसेप्ट है, अगर आप इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पढ़ेंगे ना आपके लिए उस सब्जेक्ट का की ऑडिट मैटर कुछ और है, उसमें आपसे पूछा जाए सबसे मुश्किल कौन सा है, आपके डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट इन्वेंट्री, लेकिन अगर एफएआर 2 में जाके पूछा जाए आपको ये तो मसला ही कोई नहीं है, अब है कंसोलिडेशन, अब है डेफर्ड टैक्स, अब अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर कौन सा है आपका इस सब्जेक्ट में, तो बदल जाएगा ना, तो याद रखे ये एग्जाम्पल्स हैं कि नॉर्मली एक, लेकिन प्लस माइनस पॉसिबल है, ठीक है वो डिपेंड, ये असल में रिलेटिव सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करते हैं, किसी को सकता है आप इन दो को की मैटर में डाल रहे हो लेकिन दूसरे क्लाइंट पे जाए इसमें ये दोनों चीजें हैं, लेकिन दूसरे भी हैं जो ज्यादा अमाउंट की है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो की मैटर में इनको छोड़ के डाल देंगे। एक क्वेश्चन में उसने कहा, 5 रुपए का क्वेश्चन, उसने कहा सेल्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट की मोस्ट सिग्निफिकेंट है, क्या की ऑडिट मैटर हो सकता है, सुनने का नहीं, ये सच बता रहा हूं आपको, सुनने का नहीं, वापस आया मैंने उसे, मैंने पूछा भाई क्यों, कहता सर लिस्ट में लिखा ही नहीं था आपने, आपने कहा था लिस्ट याद करने, हमने लिस्ट याद करके गए, मैं कहा भाई की ऑडिट मैटर वाले टॉपिक में क्लियरली बताया था नीचे कि प्लस माइनस पॉसिबल है, इसके अलावा भी क्या हमें वो कोई की ऑडिट मैटर बना के दे सकता है, लेकिन उसके साथ निशानियां पूरी करवाएगा कि डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया है, कौन सी निशानियां पूरी करवाएगा, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया है मोस्ट सिग्निफिकेंट, और जाहिर होगा करंट पीरियड, करंट पीरियड स्पेसिफिकली नहीं बताएगा लेकिन ये अंडरस्टूड होगा करंट पीरियड ऑडिट कर करंट पीरियड, तो याद रखिए ये एग्जांपल्स है, इनमें तो कंफर्म की ऑडिट मैटर डालना ही डालना है, लेकिन इनके अलावा भी अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसके साथ निशानियां पूरी कर दे उसको भी की ऑडिट मैटर में डाल दे, क्लियर भाई, ये क्लियर हो गया। अब कल क्लाको के डेटर्स है, सिग्निफिकेंट अमाउंट थे, प्रोविजनिंग पे डिस्प्यूट्स थे, डायरेक्टर्स तक बात पहुंची, फिर ये मसला रिजॉल्व हुआ, बताइए क्या इसको की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं, कर सकते हैं, डायरेक्टर को कम्युनिकेट किया मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो इसको की ऑर्डर मैटर में नॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इनको आपने की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड करना है और बाकी को नहीं करना, ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई एग्जाम्पल दे दे
और कहे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट नहीं किया, सिग्निफिकेंट भी नहीं है, नहीं है। लेकिन इनमें से कोई एग्जाम्पल, इनके अलावा कोई एग्जाम्पल हो और कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जहन में रख लें प्लस माइनस पॉसिबल है, ठीक है, प्लस माइनस पॉसिबल। अब क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि आपके सामने कोई सिचुएशन आए उसको पढ़ के डिसाइड कर लें ये कि यार्ड मैटर है कि नहीं है? पक्की बात है। अगला मसला क्या है वाला, लिखना कैसे है? एमसीस ऑफ मैटर, कोई लिस्ट सामने आएगी, सिचुएशन सामने आएगी, डिसाइड कर लेंगे इसमें एमसीस ऑफ मैटर आना कि नहीं, उसको लिखना कैसे है? ड्राफ्ट भी कर लेंगे कि नहीं? ड्राफ्ट कर लेंगे कि नहीं? हैं? बताया ही नहीं, वो तीन पॉइंट्स थे, वो एग्जांपल लिखी थी, रेफरेंस मैटर, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। पिछले क्वेश्चन में सारे पैसे ले लिए थे, अब क्या लें? अब को कोड करवा लो इसका, और इसके बाद सवाल का जवाब ना देना वरना सूरत हाल नाजुक हो जाएगी। भाई ये ठीक है, एमसीओ मैटर की ड्राफ्टिंग सिखाई है, अदर मैटर की भी एग्जांपल आपको लिखवाई है, मॉडिफाइड ओपिनियन डिसाइड करना तो सिखाया है कि इस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन होगा, उसको लिखना नहीं सिखाया, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं सिखाया, एमसीओ मैटर सिखाया, अदर मैटर सिखाया, गोइंग कंसर्न सिखाया कि नहीं सिखाया? हाँ, उसमें भी सेम एमसीओ मैटर की तरह था, मैटर था नहीं, सॉरी प्रेफरेंस था, मैटर था, आवर ओपिनियन नहीं था। लेकिन मैटर में दो सेंटेंस थे, एक नहीं था, एक तो वो मैटर था और फिर उसका एक इवेंट था और एक वो वाले लफ्ज मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला, दो लफ्ज बट ठीक है, ठीक है। अब की ऑर्डर मैटर की ड्राफ्टिंग भी सुनना, की ऑर्डर मैटर की ड्राफ्टिंग मैंने आपको दिखाई है कि नहीं दिखाई? हाँ दिखाई, रिपोर्ट में, शाबाश, रिपोर्ट सामने रखें, लाए रिपोर्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट सामने रखें। एक तरीका ये है पढ़ के सीख लें, एक तरीका है देख के सीख लें, और हम दोनों तरीकों से सीखेंगे, दोनों तरीकों से सीखेंगे। ना ना ना, ये भाई ने गलत सवाल, अच्छा अपनी तरफ से ना एग्जैक्ट की ऑर्डर मैटर सामने ले गया कि ना 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 ना, कि ऑर्डर मैटर सेक्शन सफा 38 के ऊपर से शुरू नहीं होता। अब सुनिएगा गौर से जो मैं कहने लगा हूं, ये 38 पे की ऑर्डर मैटर तो है, की ऑर्डर मैटर तो शुरू हो रहा है, की ऑर्डर मैटर सेक्शन शुरू नहीं हो रहा, की ऑर्डर मैटर सेक्शन शुरू, की ऑर्डर मैटर सेक्शन कहां से शुरू हो रहा है, कैसे, हाउ टू ड्राफ्ट की ऑर्डर मैटर, हाउ टू ड्राफ्ट की ऑर्डर मैटर सामने रखें। सबसे पहले आएगी मेन हेडिंग, मेन हेडिंग का मतलब लिखा जाएगा की ऑर्डर मैटर, ये देखे बोल्ड करके उसने की ऑर्डर मैटर्स लिखा कि नहीं लिखा, ये आ गई मेन हेडिंग। अच्छा इसके बाद मेन हेडिंग के नीचे ना एक्सप्लेन करते हैं कि की ऑर्डर मैटर है क्या। भाई आपको पता है की ऑर्डर मैटर क्या है? आपको पता है की ऑर्डर मैटर क्या है? यूजर को पता होगा? बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? की ऑर्डर मैटर आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन आवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर, दोज मैटर वर एड्रेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड इन फॉर्मिंग आवर ओपिनियन देयर ऑन, एंड वी डू नॉट प्रोवाइड ए सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। यानी ये नहीं कि इनके ऊपर अलग से ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियन एक ही है, इसको ओपिनियन ना समझना। हम अगर ये कहें ना कि रेवेन्यू सिग्निफिकेंट था, हमने चेक कर लिया और ये ठीक है, इसको ओपिनियन ना समझ, ये हम अपना प्रोसीजर बता रहे हैं क्या किया है, इसको ओपिनियन ना समझना। घर वालों को कहे मैंने आईएएस 2 किया, आईएएस 16 किया, आईएएस 12 किया, कंसोलिडेशन कर ली, क्या घर वाले ये समझने पेपर पास हो गया? इसको पेपर ओपिनियन ना समझना, प्रोसीजर प्रोसीजर है भाई। ये हो गया, ये भी हो गया, ये है की ऑर्डर मैटर सेक्शन। अब क्या करना है? एक है मेन हेडिंग, एक है सब हेडिंग। मेन हेडिंग क्या है? और उसके अंदर देती डेफिनेशन। सब हेडिंग क्या है? इनमें से कोई एक या दो या तीन, जैसे कौन सी सब हेडिंग? अब देखें मैं इधर बनाने लगा हूं, इधर बनाने लगा, मैं भी तो देखूं मुझे ड्राफ्टिंग आती है कि नहीं मैटर की, मुझे नहीं खुद पे यकीन। भाई ये है सफा, इसके ऊपर चल रही है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट। इसके बाद आ गया की ऑर्डर मैटर, की ऑर्डर मैटर, की ऑर्डर मैटर, ये मैंने क्या दिया। इसके बाद आया
की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आवर जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट इन करंट पीरियड. इनको प्रोसीजर समझना, सेपरेट ओपिनियन ना समझना. इनको सेपरेट ओपिनियन ना समझ, ये कर दिया. अब क्या करना है? सब हेडिंग सेलेक्ट करें भाई. किसको क्या? डेफर्ड टैक्स. डेफर्ड टैक्स ये है, डेफर्ड टैक्स. इधर मैंने लिख दिया डेफर्ड टैक्स. ये है सब हेडिंग. ये है सब हेडिंग. और इसके मैंने ऐसे कर दिए दो हिस्से. मैं इसलिए नहीं लिखता, पहले लिखा करता था, स्टूडेंट ज्यादा फेल होना शुरू हो गए. मैंने रिस्क असेसमेंट की, फिर ये प्रोसीजर बना किए. डेफर्ड टैक्स लिखते. अब क्या ये सब हेडिंग हो गई? एग्जाम्पल में से कोई एक आएगी. अब इस सब हेडिंग में क्या लिखना है? यहाँ पे नीचे दो डब्बों में क्या लिखना? तीन चीजें लिखनी है. व्हाट, व्हाई, हाउ. व्हाट, व्हाई, हाउ. व्हाट, व्हाई, हाउ. बा बा बा. व्हाट, व्हाई, हाउ. बैठ. व्हाट का मतलब क्या है? क्या है कि ऑर्डर मैटर? हालांकि हमने ऊपर लिखा है क्या है, हमने ऊपर कहता नहीं, इधर भी बता दो. हमने कहा ठीक है, दोबारा बता दे, कोई मसला नहीं है. वी हैव डिटरमिन्ड डेफर टैक्स एज की ऑडिट मैटर. अगर नॉर्मली ये नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में भी डेफर टैक्स का जिक्र होगा, तो अगर है तो आप इसको लिख दें एज स्टेटेड, एज एक्सप्लेन्ड इन नोट नंबर इतना. रेफरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन चूंकि ज्यादातर चीजें सारी फाइनेंशियल इशू, तो हम रेफरेंस दे दिया करते हैं. एमसीओ मैटर में तो उसने कसम दे के कहा हुआ ना कि रेफरेंस जरूर लिखना है. कि ऑडिट मैटर में कसम दे के नहीं कहा, लेकिन एडवाइस की है, रेफरेंस दे दिया. हमने कहा ठीक है भाई, एडवाइस कर देते हैं. क्या ये क्या है? व्हाट, व्हाट, व्हाई. क्यों डिसाइड किया ये की ऑडिट मैटर है? व्हाई कंसीडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट. व्हाई, व्हाई, व्हाई. व्हाट में इसमें से कोई चीज आएगी? व्हाई में इसमें से कोई एक या दो चीज आएगी. व्हाट इधर से उठाना है, व्हाई इधर से उठाना है. हाँ भाई बताओ, व्हाई, व्हाई. कौन से एरिया को हमने की ऑर्डर मैटर बनाया है? बोलेगा नहीं कोई. एरिया कौन सा की ऑर्डर मैटर हमारा? एरिया कौन सा? डेफर टैक्स. बताइए व्हाई, व्हाई आपने क्यों डेफर टैक्स को की ऑर्डर मैटर कंसिडर किया? क्योंकि इसमें क्या था? कंप्लेक्सिटी ज्यादा थी. शाबाश, कंप्लेक्सिटी. बिकॉज इट इज कंप्लेक्स. और फिर इसके बाद अपनी तरफ सब लिख, एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट इज इन्वॉल्व्ड. अमाउंट भी बड़ी होगी शायद, कंप्लेक्स भी काफी है. जोर देने के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट भी कर दी. हालांकि सिग्निफिकेंट अमाउंट उसने क्राइटेरिया में उधर फैक्टर्स में नहीं बताया डायरेक्टली, लेकिन हमें पता है अमाउंट भी कंसिडर करते हैं वो. कंप्लेक्स एंड अमाउंट इज सिग्निफिकेंट. ये हो गया व्हाट, ये हो गया व्हाई. अब क्या? हाउ, हाउ. इसको इसको हेडिंग ना देते कोई, इसको लिख देते हैं की ऑडिट मैटर. हाउ द मैटर वाज एड्रेस, हाउ एड्रेस. अब मुझे बताइए डेफर टैक्स में क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे वेरीफाई करने के लिए? जो स्टूडेंट सिर्फ दो प्रोसीजर बता दे डेफर्ड, मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़े हुए, मैंने भी नहीं पढ़ाए हुए, लेकिन यही तो प्रोफेशनल जजमेंट है. यही तो डिफ्रेंशिएट करेगी आम स्टूडेंट और सीए स्टूडेंट, पास होने वाले फेल होने वाले. भाई जो पढ़ाया वो तो सारे अटेम्प्ट कर लेंगे, जो नहीं पढ़ाया था वो सवाल आ गया. अगर फर्ज करें करंट टैक्स की, शाबाश. पहला चेक वर्किंग ऑफ क्लाइंट, चेक क्लाइंट्स वर्किंग. एक मिनट हारे एक प्रोसीजर हो गया. अभी अगर दूसरा नहीं बताया 50 भी नहीं मिलेंगे. रिकंसिलिएशन, एक मिनट हारे नहीं, वर्किंग में रिकंसिलिएशन एक ही बात है, ऐसे ना करें. उसकी वर्किंग कैलकुलेट की, FBR से रابطہ कर लेंगे. नहीं अब सुनिए जरा, अब थोड़ा एक मिनट. अरे एग्जांपल उन्होंने अजीब सी दे दी. अगर ये होता ना टैक्स कंटीजेंसी वाला, फिर FBR वाला पॉइंट ठीक था.
डेफर टैक्स वाला नहीं, एफबीआर वाला नहीं मान रहा मैं। टैक्स कंसल्टेंट ना ना, वो वर्किंग नहीं है टैक्स कंसल्टेंट भाई। एक है जिसने फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन की, हम उसकी रिपोर्ट देख लें। एक एक है एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखना, उसको वैल्यूएट करना। एक है एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना। क्या दोनों एक ही है? फर्क है तो ये कैलकुलेशन उन्होंने चेक किया। अब उन्होंने दूसरा भी बताया, शाबाश बिल्कुल ठीक है। जो एक्सपर्ट था क्लाइंट का, उससे इंटरनल एक्सपर्ट जो इंगेज किया गया है टैक्स एक्सपर्ट, उससे रब्ता कर लेंगे, ठीक है। आखिरी चीज जो तकरीबन नहीं मैं बताऊंगा नहीं, वरना अपना वाकई बहुत से एरियाज में आती है वो प्रोसीजर, बहुत से एरियाज में आता है जो हम चेक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कंफर्मेशन नहीं, रिकंसिलिएशन नहीं, डॉक्यूमेंट चेक करना नहीं, नहीं नहीं, इंक्वायरी नहीं, बहुत से देखे प्रोसीजर शायद कुछ एरियाज में आपने जो बताए आते हो, लेकिन मैं तकरीबन हर रिस्क असेसमेंट नहीं, इंटरनल ऑडिटर नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं, बहुत से एरियाज में आती है लेकिन नहीं, तकरीबन नहीं। अब मैं बताता हूं, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स, बताइए क्या तकरीबन हर एरिया में डिस्क्लोजर नहीं होते होंगे, उनकी एडिक्वेसी को चेक नहीं करते होंगे? ये भी रेलिवेंट है। पहली दफा क्यों, हमने अजर्शंस नहीं पढ़ी थी, उसमें प्रेजेंटेशन वाली अजर्शन में लिखा नहीं डिस्क्लोजर भी होता है भाई? ऐसा लगे बट वाई हाउ। अच्छा ये प्रेजेंटेशन नोट कर ले, एक तीर तीन शिकार, एक तीर दो शिकार तो हर कोई करता है ना। अब वो माहिर शिकारी नहीं है, माहिर शिकारी वो है जो एक तीर तीन शिकार। ये फॉर्मेट तीन जगहों पे इस्तेमाल होगा। ये फॉर्मेट इधर हेडिंग, दरमियान में लाइन, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तीन जगहों पे इस्तेमाल होगा। एक की ऑर्डर मैटर के टॉपिक में लिख ले, की ऑर्डर मैटर के टॉपिक में। दूसरा रिस्क असेसमेंट के टॉपिक में, जिसका क्वेश्चन सीफेप में हर अटेंड में आता है और कैफ में तकरीबन हर अटेंड में आता है। पहला क्या बताया, दूसरा, तीसरा इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल वाले में। और चौथा 50-50, एक चौथा टॉपिक भी है उसमें दो प्रेजेंटेशन है, एक ये भी यूज कर सकते हैं एक दूसरी भी कर सकते हैं। बता दूं, कोड ऑफ एथिक्स, एक तीर साढ़े तीन शिकार हो गए, चार हो गए। अब ये याद रखेंगे, ड्राफ्टिंग इज लाइक क्वेश्चन ऑफ रिस्क असेसमेंट, और इसके अलावा बाकी भी मैंने आपको दो तीन बता दिए। ये ड्राफ्टिंग है ना, ड्राफ्टिंग इज लाइक, अब रिस्क असेसमेंट का टॉपिक आएगा उसमें भी यही स्किल आएगी ड्राफ्टिंग की, इसी तरीके से फॉर्मेट बनेगा। इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडी आएगी, इसी तरीके से फॉर्मेट बनेगा। कोड ऑफ एथिक्स की आएगी, उसमें भी बहुत से क्वेश्चन में इसी तरीके से फॉर्मेट बनेगा। क्लियर? और भी एक दो केस स्टडीज में यूज होता है, लेकिन इतना ही काफी है। अच्छा, हाउ एड्रेस में ना उसने तीन चीजें लिखी हैं, लेकिन हम फॉलो एक तो कहता है चाहे प्रोसीजर लिख लें, ये जो ना हाउ एड्रेस, चाहे प्रोसीजर लिख लें, चाहे आउटकम, चाहे ऑब्जर्वेशन। हमें नहीं पता आउटकम क्या होता है, हमें नहीं पता हमने क्या लिखना है, प्रोसीजर। मैं क्लियर हो गया? अच्छा मुझे बताइए, क्या हमने सीख लिया कि ऑडिट मैटर सेक्शन क्या है? क्या हमने डेफिनेशन पढ़ ली उसकी? क्या हमने ये डिसाइड कर लिया कौन से फैक्टर्स को सामने रख के क्या डिसाइड करना है? क्या हमने एग्जांपल्स केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए ये समझ ली, एक एक एग्जांपल डिस्कस कर ली? क्या हमने ये सीख लिया कि ऑडिट मैटर को ड्राफ्ट कैसे करना है? ठीक है, एग्जाम्पल भी मौजूद है आपको, लहदा से प्रैक्टिकल फॉर्मेट भी दे दिया, बुक में भी एग्जाम्पल मौजूद है। क्लियर? अब एंड पे वैसे तो एक ऑप्शन है, लेक्चर खत्म कर ले। एक ऑप्शन है के दो तीन क्वेश्चन हो जाए, अच्छा दो तीन क्वेश्चन हो जाए। अब बताएं, अब हो जाए, नॉर्मली की ऑडिट मैटर्स दो या तीन होते हैं या चार भी हो सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक हमारा ऑडिट क्लाइंट हो
उस पे कोई भी की ऑडिट मैटर ना हो। इसका जवाब बता रहा हूं, पॉसिबल है। अच्छा, अब रीजनिंग के साथ बताना है, अगर हमें क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए कि उसमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, क्या की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा या नहीं? एक मिनट हरिवान बाबा, है लिस्टेड, हर केस में लिस्टेड कंपनियां, क्या की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा? आएगा, लेकिन उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे, हाँ, उसमें पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? We have determined that there is no key audit matter. शाबाश, शाबाश। अगला सवाल। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, key audit matter और चीज है, key audit matter section और चीज है। तो अगर कोई भी key audit matter नहीं है, तो key audit matter कोई नहीं आएगा, key audit matter section आएगा। अच्छा, आपने कहा सर ऐसा पॉसिबल है कि की ऑडिट मैटर ना हो लेकिन की ऑडिट मैटर सेक्शन है। अब मुझे बताइए जस्टिफिकेशन के साथ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि की ऑडिट मैटर तो है, ऑडिट के दौरान में हमने की ऑडिट मैटर आइडेंटिफाई किया, लेकिन की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं है, सेक्शन नहीं है। एक मिनट, अनलिस्टेड कंपनी, हाँ शाबाश, मैंने कहा था सारे लिस्टेड कंपनी के केस है। अबे अगर डिस्क्लेमर हो, शाबाश, इसका मतलब है अगर कोई की ऑडिट मैटर है भी लेकिन हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने जा रहे हैं, तो हम उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ने मना कर दिया कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो तो की ऑडिट मैटर नहीं देना। अच्छा जी, नहीं, की ऑडिट में सेक्शन ही नहीं आएगा ना, लिस्टेड में तो सेक्शन ही नहीं आएगा, ये डिस्क्लेमर में तो सेक्शन ही नहीं आएगा, पूरे का पूरा। ठीक है, हाँ, कुछ केस है जिनमें की ऑडिट मैटर, जी चले मैं, हाँ भाई पता चल गया आपको, कभी सेक्शन हो, की ऑर्डर मैटर ना हो, पॉसिबल है, की ऑर्डर मैटर हो, सेक्शन ना, ये भी पॉसिबल है। आखिरी क्वेश्चन, क्या मॉडिफाइड ओपिनियन जिन रीजन की वजह से होता है, अच्छा मुझे बताइए, मॉडिफाइड ओपिनियन एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, बाय डेफिनेशन की ऑर्डर मैटर है कि नहीं? हाँ शाबाश, बाय डेफिनेशन, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, है ये किया मोस्ट सिग्निफिकेंट ना भाई, जिस चीज की बेस पे रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, आपके ख्याल में मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा? क्या डायरेक्टर से कम्युनिकेट नहीं करते हर मॉडिफिकेशन, डायरेक्टर को भी कम्युनिकेट कर, तो बाय डेफिनेशन मॉडिफाइड ओपिनियन एमसी द मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, की ऑडिट मैटर है, लेकिन क्या उन्हें हम की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करेंगे? शाबाश, नहीं करेंगे। एक मिनट, उनको जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं करेंगे? शाबाश, क्योंकि उनकी अपनी प्लेसमेंट है, हालांकि बाय डेफिनेशन मॉडिफाइड ओपिनियन, By definition, MCQ matter, other matter, going considered. भाई report को modify कर रहे हैं ना ये, तो इससे ज्यादा significant और क्या होगा? किया, लेकिन key order matter में नहीं आते, क्यों? Reference उधर आता है, तो फिर key order matter हम पता क्या कहते हैं? जब modified opinion हो ना, हम ये नहीं कहते following are key order matters, हम क्या कहते हैं? In addition to key order matter described in basis for modified opinion, following are other matters. Following are other matters. आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद खत्म। 100 रुपया उस स्टूडेंट को जो मुझे बताएगा लाइन स्टेटमेंट, सिचुएशन मैं बता रहा हूं, की ऑडिट मैटर कोई नहीं है लेकिन क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया, की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा, उसके नीचे डेफिनेशन भी आएगी, उसके नीचे वाली लाइन क्या होगी? की ऑडिट मैटर कोई नहीं है, हिम्मत करे, कौन हिम्मत करेगा? शाबाश, देर इज नो की ऑडिट मैटर, गलत, हाँ अदर नहीं होंगे, हाँ उसको थोड़ी हिम्मत कर, इंस्टेड ऑफ, नहीं नहीं ये आधा जवाब ठीक दिया, हम लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स एज डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन देर इज नो अदर की ऑडिट, यानी जब रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही हो तो चूंकि वो की ऑडिट मैटर होता है तो उसे की ऑडिट मैटर में रेफर करेंगे, डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हाँ क्योंकि डिस्क्राइब दूसरे पैराग्राफ में हो गया। शाबाश, शाबाश, बेहतरीन, मैं समझ आ गई आपको। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगी आपको, ये आपने असाइनमेंट करनी है लाजमी, ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।